हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत लोगों को बनाना नहीं आता है। तो मैं आज इसका बहुत ही इजी तरीका लेके आई हूँ मटर के पराठे बनाने का। तो वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर के आटा ले लिया है। इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ किया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि आटे में भी नमक रहता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये इसमें 2 बड़े चम्मच मैं ऑयल डालूंगी, मतलब मैंने ऐसे डाला है, आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, 2 बड़े चम्मच। यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया है, जिसको हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी चिली फ्लेक्स मत डालिए। अब पूरे आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जो चीज़ें और तेल वगैरह डाला है वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो पराठे हमारे जो रहेंगे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने पानी 1 कप ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, ताकि आटा हमारा बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो और एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो। तो यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं गूंथती जा रही हूँ, जब तक कि जैसा मुझे चाहिए। तो इसमें जब भी आप भरवा पराठे बनाएं तो आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रखें, तो इससे क्या होगा, आपके कोई भी भरवा पराठे फटेंगे नहीं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इसको मैंने गूंथा है इसी हिसाब से आटा गूंथिए, कभी भी आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपके भरवा पराठे नहीं बनते। अब एक मसाला तैयार करेंगे, तो इसमें 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 2 हरी मिर्ची बड़े साइज़ की, और यहाँ पे ये लहसुन की पत्तियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी तो डाल रही हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ढेर सारा धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच के हिसाब से नमक डालेंगे, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अगर ऐसे नहीं पिसता तो थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे डाल सकते हैं। अब मैं, क्योंकि जब भी सीजन आता है मटर का, तो मैं मटर ढेर सारा ले आती हूँ, उसको पैक करके रख देती हूँ, और फिर मैं ऐसे बनाती रहती हूँ। तो चलिए मटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मटर का यूज़ किया है ये पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे पैन में तेल डाल दिया है, तेल में 1/2 चम्मच जीरा, तेल जब गर्म हो जाए तो डालें, और 1/2 चम्मच के हिसाब से हींग डालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मटर जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती हैं जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, तो उनको मटर नुकसान कर जाते हैं, इस वजह से हींग डालने से डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो पेट दर्द वगैरह समस्याएँ हो सकती हैं। ये आप ज़रूर डालिए हींग। अब इसको मिक्स करने के बाद ढक के रख देंगे। यहाँ पे चाहे तो हम उबाल सकते थे, पर मुझे थोड़ा सा दरदरा मटर का फ्लेवर पसंद है। अगर आपको एकदम मैश करके खाना है, एकदम से कोई भी चंक्स नहीं आए, तो आप इसको उबाल सकते हैं मटर को पहले। अब देख सकते हैं ये अच्छे से मटर हमारा पक चुका है। तो इसमें 1 चम्मच डालेंगे मसाला, स्पेशल मसाला है जिसमें भुना हुआ धनिया, भुना हुआ जीरा और मिर्ची, और थोड़ा सा नमक है। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये जो अभी हमने धनिया पत्ती का पेस्ट बनाया है वो 1 से 2 चम्मच डाल देंगे, और खटास के लिए आमचूर पाउडर डाल देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों को मटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मटर जब हम मैश करेंगे तो मसाले की बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आएगी और खुशबू। अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, क्योंकि बाकी भी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक है, तो इसलिए मैंने बहुत कम नमक डाला है, आप इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे एक हम ले लेंगे मैसर। आप चाहें तो इसको ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हैं, अगर मैसर नहीं है। अगर मैसर है तो इसी स्टेज पे गर्म गर्म में ही ऐसे मैश कर देंगे, तो ये एकदम से अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाएगा। मुझे इस तरह का पेस्ट पसंद आता है, इसीलिए मैं मटर को उबाल के नहीं डालती हूँ। अगर ज़्यादा हार्ड मटर है तो आप उबाल के डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे ये सीजन के मटर हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैसर से अच्छा, जैसे मुझे चाहिए वैसे मैंने मैश कर लिया है। अब ये मैसर में भी जो चिपका हुआ है वो भी हम अच्छे से छुड़ा लेंगे, और फिर थोड़ा सा स्पैचुला से ऐसे मिक्स कर देंगे, ताकि कहीं पे ज़्यादा कहीं के पे कम ना लगे। अब इसके साथ खाने के लिए हम दही तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 कटोरी मैंने दही ले लिया है, उसको अच्छे से विस्क से चिकना कर लेंगे, मतलब फेंट लेंगे, और उसमें भी 1 चम्मच भर के ये जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे और मिक्स करके रख देंगे। ये वाला दही पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी लगता है।
तो यहाँ पे ये दही बन चुका है। अब देखते हैं आटा हमारा सेट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे गूंथ के रखा था, और अभी 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो ये अच्छे से चिकना हो गया। इसको ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे रहा हमारा मटर का जो हमने स्टफिंग बनाई है वो है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, लोई को अच्छे से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, बेल लेंगे जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं वैसे इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा ना पतला करना है ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है। अब जैसा आपको स्टफिंग पसंद हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा भर भर के बनाती हूँ क्योंकि मुझे जितना ज़्यादा स्टफिंग भरी रहती उतना ही पराठा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से भर लेंगे और चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर दें। मैं इसको राउंड शेप नहीं दे रही हूँ, मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। वैसे बहुत अच्छा मुझे भी बनाना नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, आपको अगर अच्छा आता है तो आप अच्छे से बेल लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको चारों तरफ से मैंने इस तरीके से बेल दिया है ताकि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ना लगे। और देखिए इसकी स्टफिंग कितना उभर उभर के बाहर आ रही है अपने आप को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे तवा गरम हो गया, तो तवे में अच्छे से घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो अच्छे से ग्रीस कर दीजिए, तभी हमारा क्रिस्पी करारा पराठा बन के तैयार होगा। अब इसमें पराठा डाल देंगे और फिर इसको पलट पलट के अच्छे से घी या तेल लगा के बनाएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें अच्छे से मैंने ऑयल ग्रीस किया है ताकि ये हमारा बहुत ही अच्छा कुरकुरा क्रिस्पी और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पराठा लगे। अगर आप कम ऑयल खाते हैं तो एक बूंद तेल में भी इसको बना सकते हैं, उतना ही टेस्ट आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। और अगर आप एकदम ढाबा स्टाइल पराठा चाहते हैं तो थोड़ा सा घी और तेल लगाने में कंजूसी मत कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पराठे को मैं पलट पलट के दोनों साइड में अच्छे से पका रही हूँ ताकि एकदम ढाबा स्टाइल ये पराठा लगे। तो देख रहे हैं इसमें जो हमने आटे में तेल डाला था उससे कितना अच्छा सॉफ्ट और कितना अच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से दबा दबा के हम इस पराठे को अच्छे से चारों तरफ पका लेंगे ताकि जब हम इसकी एक भी बाइट लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इस पराठे को घर पे बनाने के बाद आप ढाबे के पराठे तो भूल ही जाएंगे, बस घर पे ही जब भी पराठा खाने का मन होगा तब बनाएंगे। तो ये हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी पराठा बना लिया है, देख सकते हैं दूसरा पराठा भी तैयार है। तो चलिए आप प्लेट लगाते हैं। तो ये देखिए इतना स्टफिंग भर गई, इतना क्रिस्पी पराठा बना कि स्टफिंग उभर उभर के निकल रही है। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस मटर के पराठे बनके तैयार है। और देखिए इसकी स्टफिंग कितना अच्छे से पूरे पराठे में फिल हुई है, कहीं पे नहीं है कि इसकी स्टफिंग नहीं दिख रही हो, पूरा अच्छे से पराठे में फैला हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर पे ये मटर का पराठा बनाइए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। और अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, और ये मटर का पराठा बनाने के बाद सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जिससे मेरी जो नई रेसिपी रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।